खाद की कालाबाजारी के खिलाफ मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद गोरखपुर में 4 टीमें गठित कर विभिन्न खाद विक्रेताओं के यहाँ छापेमारी की गई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी केविजन पांडियन ने बताया कि जिले में बिना आधार कार्ड के तहत साधन सहकारी समितियों द्वारा किसानों को खाद देने का काम किया, जिसको देखते हुए जिले में 10 साधन समितियों पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सिर्फ आधार कार्ड धारक किसानों को ही खाद दिया जाना है, जिसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, लेकिन कुछ दुकानदारों ने बिना आधार कार्ड के ही खाद बेचने का काम किया है, जो गैर कानूनी है। उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केविजन पांडियन ने कहा, ये देखिए, ये शासन के निर्देश के अनुसार डेटा मिला है हम लोग का, खासतौर पे जो 20 किसान किसको बिक्री ज़्यादा हुआ है ज़्यादा मात्रा में, उसको जांच कराने के लिए हम लोग टीम गठन करके जांच किया। तब पता चला जो किसान है, किसका कहीं खेती बाड़ी भी नहीं है, किसी का किसान का नाम भी नहीं है, उनके नाम से बहुत भारी मात्रा में ये खाद्यान्न ली गई है। और उसका हम लोग सचिव जो सोसाइटी किसी से जांच करने के बाद कुछ सबूत भी नहीं मिला है। हम लोग इसलिए प्रथम दृष्टि थोड़ा गलत लगा, इसलिए हम लोग तुरंत FIR लार्ज कर दिए। उस पर तो 10 संगठन जो किसके माध्यम से सोसाइटी के माध्यम से बिक्री हुआ है, सभी के ऊपर FIR दर्ज हो गया। उसके अलावा और भी जो बिक्री हुआ है बिना आधार कार्ड का और बिना सबूत का, उनको भी जाँच की जा रही है। और शासन से जो निर्देश भी आया है, आगे जो किसको भी खाद चाहिए बिना आधार कार्ड का ना लें। मैं आपको भी अपील करने चाहता हूँ, ये सरकार बहुत पैसा सब्सिडी के रूप से ये खाद्यान्न के लिए देती है, इसी उम्मीद से देती है ताकि जो गरीब किसान है उनका वो फ़ायदा पहुँचाए। इसलिए जो किसान अपने ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं, बिना आधार कार्ड का खाद मत लीजिए। और कितने दुकानदार इसी चेन में इन्वॉल्व है, सबको मैं चेतावनी देता हूँ, ये संवेदनशील मामला है। उर्वरक किसान का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कृषि उद्योग में, और आप इसी पे किसी तरह का कोई अनियमितता हो और कोई गड़बड़ी मिलता है तो सख्ती से सख्ती कार्रवाई होगा। आगे अब तक इस पे जो कितने सोसाइटी इन्वॉल्व थे, सभी के ऊपर कार्रवाई हुआ है, और किसान का भी जांच कर रहे हैं हम लोग। यदि किसान के तरफ से जो बयान आया है, बहुत सारे किसान लिया ही नहीं है, बट उन लोगों का नाम दर्ज हो गया है। अभी बयान में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में स्पष्ट आता है और भी चीज़ खुलता है, उसी के हिसाब से कार्रवाई करेंगे।